प्रेस है, बॉटल आयरन, बॉटल आयरन हो या फिर कोई भी हो, अगर प्रेस अगर ख़राब हो जाती है तो कैसे ठीक करने है? यानी 1300 वाट का होता है ना, ओनली 300 अगर रहेगा तो 1000 रहेगा, ओके, है ना, बड़ा थोड़ा सा साइज भी बड़ा होता है इसका, ओके। इसमें क्या हो रहा है कि पानी एक तो जा नहीं रहा है प्रॉपर, है, और इसका रिटर्न भी पाइप से ऊपर एयर आते रहता है, रिटर्न आते रहता है उसका, और हैंडल भी गर्म हो जाता है इसका, है, उसका कारण हम ढूंढते हैं इसका, और इसको कैसे बनाते हैं मैं आप देखिए, शायद ये यूजफुल वीडियो हो, किसी के काम आ जाए, इस तरीके से हमने सोचा है। ये है वर्कशॉप है नागपुर गारमेंट मशीनरी का, ओके, मेडन कोरिया होता है सर, काफ़ी अच्छा होता है, हम लोग को बात नहीं इसमें। अब क्या होता है ज़्यादा से इसको लोग नहीं बना पाते, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, आपको यहाँ से इसको ओपन करना है, कोई भी कंपनी का हो, ऐसे नहीं, उनका खोलने का तरीका अलग हो सकता है, तो काम आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इसको खोला, अब जो भी चलाऊँगा इसकी लाइफ वो अलग बात, राइट, ये है, कंप्रेसर आता है यहाँ से गर्म होकर लास्ट फिनिशिंग यहाँ से निकलेगा, ओके, आने जाने का सिस्टम ये होता है, ठीक है। ये है अपना सोनट वाल्व, लिखा भी होगा, हाँ देखो लिखा भी है सोनट वाल्व, राइट राइट, ये है सोनट वाल्व का कनेक्शन यहाँ से, और ये राइट, और ये जो है ये सेंटर का जो नट होता है ये होता है निगेटिव, यानी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग, है, ये होता है निगेटिव और ये पॉजिटिव, रेड ये हो गया ग्रे टाइप का, और जो हरा है वो अर्थिंग होता है, ठीक है ना, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, छोटा वाला भाग हमेशा ऊपर लगता है, छोटी रखिए, ये क्या है साइज एक जैसे नहीं है, तीनों दो एक जैसे है और एक छोटा है, हम छोटा वाला सीधा इसमें लगेगा, राइट, गया। अब यहाँ से सीधा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग होती हुई, देखिए ये सब पॉइंट लगे हुए, एक्चुअल में ओरिजिनल जो होता है ये शायद कहीं डाउट है मुझे कि ओरिजिनल ना हो ये, क्योंकि ओरिजिनल जो होता है यहाँ पे बकायदे उसका एक और दिया होता है फ्यूज, पे सेफ्टी वाल फ्यूज दिया हुआ रहता है, उसके लिए जगह है, और क्या करें सब बदमाश लोग हैं, अन सप्लायर, ओके, करते हैं अपन। ये देखिए दोस्त, ये देख रहा हूँ, राइट, ठीक है ना, क्लियर है, राइट। और यहाँ रिपेयरिंग करने वाले बड़े ज्ञानी हैं, जहाँ टेफ्लॉन लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ लगा देते हैं, अरे ओरिजिनल पकड़ते, तो ये ओरिजिनल में ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे इतना टाइट कर दिया गया है स्लॉट वाइज का, सीधा तो लाइफ ख़राब हो जाती है। ये है एक करके, यहाँ भी घुसा हुआ था रिकॉर्डिंग बंद कर, अब ये अपन ने ये निकाला, ये इसमें पानी, यानी पानी गलत आ रहा है इसमें, इससे क्या होगा सुधार, ठीक है, ओके, फोकस करो उसको, यहाँ पे स्केलिंग बैठ गया, नीचे आप पीपल को देख लीजिएगा, नीचे से कम साफ किए हुए, क्या हमने ये होल थे जो थे दिख रहे, ये होल क्लियर दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जितना डस्ट मिला हमको डाउट था कि इसमें भी होगा, अब उसको हम ओपन करते हैं, मेरे सामने तो था, तो
या ब्रश से करना, लेकिन क्या है वायर छिल को डैमेज नहीं करना चाहिए लोहे के ऊपर। अपन ने खोला वैसे ही इसको फिटिंग कर देने का। लेकिन इतना 4 महीने में ओके देखिए, पूरा साफ करने के बाद में ऐसा इसका वायर लगा रहना चाहिए, पीछे के वायर हो गए राइट, ऐसे नट बोल्ट बिल्कुल प्रॉपर टाइट रहने से इसके लिंक की गई ठीक है। तो माइक्रो स्विच है, यहाँ से आपका स्मार्ट वाल रन होता है। हमने पूरा कर दिया, ये खोला था तूने ना, आओ एक मिनट से नज़र मार लीजिए। खोला देखिए, नज़र मार लीजिए, इसको भी खोल के दिख रहा है, बराबर फोकस करें यहाँ पे, फोकस है बराबर दिख रहा है। इसको दोबारा फिर ऐसे करके लगा देने का, ठीक है। ब्रांड सिल्व, ये मैसर करके ब्रांड है इसका है, इसलिए बराबर मैं ये ने कॉपी बनाया ना, इसलिए पूरा इसका कॉपी बना के दी अवेलेबल डाल के मैसर, ठीक है ना। सिल्व स्टार नहीं है, कॉपी किया है, लेकिन सिल्व स्टार होता है ठीक है ना। हमने अभी बेस को रिपेयरिंग किया है और इसका कैसा है कि स्केलिंग बोलते हैं उसको, जो पानी गर्म होने के बाद जो वाइटनर होकर जो बैठ जाता है पूरा स्केलिंग होता है, उसको पूरा साफ किया क्योंकि इसमें पानी पूरा रिलीज नहीं हो रहा था और रिटर्न जा रहा था। इसका सोनेट वाल में भी प्रॉब्लम था थोड़ा सा, उसको भी ठीक किया हूँ, अगर नहीं काम करेगा तो फिर उसको अपने को डालना पड़ेगा, तो नया सोनेट वाल वायर का ओके ये हो गया है, अभी बेहतरीन है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बोलते हैं, ये यहाँ से चालू अंदर चालू कर बताना ठीक है, बॉटल टंगा हुआ है, ग्रीन टी बॉटल अच्छा यहाँ देखेंगे आप, अभी देखो अभी यहाँ पे बराबर मिस्टर निकल गया, फोड़ दिया मैंने, है हो गया नहीं, इसको बोलते काम करना। ये देखिए, ये हमने इसको है ना ऐसा बनाना पड़ता है। अब देखो प्रॉपर नया जैसा रहता है वैसा काम कर रहा है वो, प्रॉपर सिस्टमेटिक।
लेकिन 4 मंथ में जिस तरह से जंग लगा है हर चीज़ों में, उससे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये इनने इनका कहना है कि 4 महीने हम पहले हमने ख़रीदा है। बोलिए कितने महीने, कब खरीदा भैया? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया ना आपके, मैं भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन इतना, लेकिन नाम वाम देख के लग रहा है कि ज़्यादा पुराना तो नहीं है, क्योंकि ये नाम उतना क्लियरिटी है उसमें, पर क्वालिटी वाकई में बहुत बोकस है। तो ध्यान रखें, सिल्वर स्टार का ही लेना चाहिए, ना कि कोई और का। अब जिसको जिसका प्रेस का काम है, हमने वहाँ पे अभी लाया है, अभी जस्ट बनाया था मैंने प्रेस, मैं भी चेक कर रहा हूँ वहाँ के ट्रायल, क्योंकि पूरा वीडियो बनाना ज़रूरी था ना, तभी तो आपको भी समझता था कि नहीं ठीक है। बॉटल आयरन, ठीक है, यहाँ से पानी ग्रेविटी के तहत आता है, और ये इसमें बकायदा टेफ्लॉन शू भी लगा हुआ है, जिससे क्या होगा कि फैब्रिक मेल्ट नहीं होना चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये देखिए स्टीम रिलीज हो रहा है इससे, हमने जो अभी बनाया है प्रेस को। ये है पहलवान, जो इनका टेलरिंग की दुकान है, टेलर भी यूज़ कर सकते, जरूरी नहीं कि गारमेंट्स ही यूज़ करें, टेलर लोग के लिए भी अच्छा रहता है ये इनका। ये राइट, थोड़ा जरूर उसमें घुमाने का, आराम से मार के देखो, रिजल्ट मिलेगा तुमको, है ना? नए कसरी का काम करने लगा, दबा के रखने का थोड़ा देर, जैसे स्टार्ट कर रहे हो उसे दबा दिए तो यहाँ तक आता है स्टीम, फिर एकदम से दबाते बराबर तो नहीं निकलता ना, क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी वाला है ना ये, अब जो बॉयलर के थ्रू रहता तो प्रेशर से आता था वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखने का अपने, जैसे प्रेस स्टार्ट कर रहे थे एक बार दबा दिए बटन को, थोड़ा दबा देने का वहाँ से थोड़ी देर, अब छोड़ देने का, अब यहाँ तक के रहता वो, जैसे लग रहा है तो थोड़ी देर दबा के रखे देने का। अब इसके एक मिनट उठाना मत, ये देखो उसने प्रेस किया, पूरा चीरा मार दिया उसका प्रॉपर, चीरा मतलब पैंट का जो ओवर लॉकिंग होता है उसको चीरा बोलते हैं, ठीक है ना? कि चलो अभी दूसरे पल्ले का है, चीरा मार इसे बोलते हैं स्टीम प्रेस। ये पॉलिस्टर टाइप फैब्रिक है, लेकिन एकदम बिल्कुल बेहतरीन बढ़ जाता है, कोई भी फैब्रिक रहे मेल्ट होने का काम नहीं, क्योंकि टेफ्लॉन लगा हुआ है उसमें। ये क्या आराम से चलाने से क्या होता है कि गर्म होता है प्रॉपर, अपना प्रेस बैठ के आता है, आप फास्ट कर देंगे तो उसको हीटिंग ही नहीं मिल पाएगा, तो कहाँ से बैठेंगे, आपको ताकत की ज़रूरत पड़ेगी फिर भी, और इसमें आराम से माने ताकत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हल्का घुमा दिए बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे परफेक्टली, ठीक है ना? ये देखिए इसे बोलते हैं परफेक्ट हमारा।